ऑफ एक्सरसाइज 3.5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। Saying here, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Representing the situation algebraically and graphically. Okay? Question कहते हैं कि 2 kg apple और 1 kg grapes की cost एक दिन क्या थी 160 rupees. लेकिन कुछ मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद इसी 4 केजी एप्पल्स और 2 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाती है रुपीज 300। हमें इसे ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने हैं। तो कितनी है 2 केजी एप्पल 1 केजी ग्रेप्स 160 में, 4 केजी एप्पल 2 केजी ग्रेप्स 300। सो एप्पल और ग्रेप्स, हम एप्पल 1 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स की कॉस्ट को हम एक्स और वाई सपोज करते हैं। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apple be rupees x. 1 kg apple की cost हम x suppose करते हैं and 1 kg grapes cost be rupees y. उसे हम rupees y suppose करते हैं, rupees y. 2 kg apple और 1 kg grapes की cost कितनी है 160. So 1 kg apple की कोस्ट को हमने x सपोज कर लिए हैं, सो 2 kg apple इज इक्वल टू 2x एंड 1 kg grapes इज इक्वल टू 1y मींस y. कितनी कोस्ट है 160, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे. 4 kg apple 4x, 2 kg grapes 2y, 4 kg apples और 2 kg grapes की कोस्ट कितनी है 300. ओके, बट दिस इज नॉट इक्वेशन 2. यू नो व्हाट, यहां हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल से जा रही है, यू नो मींस 2 के टेबल से डिविजिबल है ये इक्वेशन. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 150 मींस 2 इंटू x टू x, 1 इंटू y 1y इक्वल्स टू 150. दिस इज इक्वेशन 2, इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2. ओके, सो A, C, Q. According to question, ये हो गया हमारा 2 kg apple, 1 kg grape की cost 160. Here 4 kg apple and 2 kg grapes की cost 300, जिसे हमने short कर दिया. Okay, equation को 2x plus y is equal to 150. अब हम इस equation को solve करेंगे. First is 2x plus y. ये पहले हम इसे solve करेंगे. 2x plus y is equal to 160. 2x. Therefore y equals to 160 minus 2x. Okay? You know, if x equals to 60, then y, if x equal to 60, then y is equal to 160 minus 260 is a 12. 160 minus 120 equals to 40. Aaya samajh mein? ओके, हम यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पुट कर दिए 60, 62 से 120, 160 में से 120 माइनस करेंगे क्या आया 40. अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट 60 है, मींस x की वैल्यू 60 है, देन y की वैल्यू कितनी आएगी 4. और इसी तरह से इफ x इक्वल्स टू 80, देन y इक्वल्स टू 160 माइनस 280. x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 80. 82 जाओ 160. 160 माइनस 160. 160 में से 160 माइनस करेंगे क्या आएगा 0. अंडरस्टूड? अब हम बॉक्स को ड्रा करेंगे. इस तरह से बॉक्स ड्रा करेंगे x एंड y. इफ x इक्वल्स टू 60, y क्या है 40. इफ x इक्वल्स टू 80, y क्या है 0. ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ये 2x plus y equals to 40. 2x plus y equals to 150. यहाँ पे y equals to 150 minus 2x. क्यों क्या? Once again उसी तरह से करेंगे. If x equals to 50, then y equals to 150 minus 250. जहाँ x से जहाँ पे हम put करेंगे 50 यहाँ पे,
150 minus 100 is equal to 50. Again, if x equals to 100, अगर x के वैल्यू हम 100 लेते हैं, then y equals to 150 minus 2 into 100, 200. 150 minus 200 equals to plus minus minus 200 में से 150 minus करेंगे आएगा minus 50. Understood? आया समझ में? अब हम इसी तरह से box भी draw करेंगे. X, Y. If X is 50, Y is also 50. If X is 100, X की वैल्यू अगर 100 है, then Y is minus 50. Understood? क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं. Okay? Now, अब हम यहां पे देखेंगे first equation. If X is 60, अगर X की वैल्यू 60 है, then Y is 40. Y कितनी है? 40. X 60 है, then Y is 40. Y क्या है? 40. इसे A से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट A. If X is 80, then Y is 0. If X is 80, Y क्या है? 0. 80, 0. X 80 है, Y क्या है? 0. पॉइंट B से डिनोट करेंगे इसे. Now, अब हम लाइन को ड्रा करेंगे. इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे. X 60, Y 40. ओके? इस तरह से दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. ओके? Now, next equation को, if x is 50, y is also 50. x 50 है, 40 और 60 के बीच में 50 है, this is 50. x 50 है, then y is also 50. 50 यहाँ पे, इसके बीच में है, 40 और 60 के बीच में. x 40, then y is 50. Here, x 40, then y is 50. 40, 50. This is point P. If x is 100, then y is equal to minus 50. X 100 है, then y क्या है? Minus 50. Minus 50 कहाँ पे आएगा? Here is minus 50. Minus 50. X is 100, y is minus 50. यहाँ पे 100 minus 50. यहाँ पे 100 minus 50. इसे डिनोट करेंगे पॉइंट Q से. Sorry. This is point Q. यहाँ पे रिपीट कर देते हैं. This is point Q. Now, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे P एंड Q को. के, you know this is A एंड B, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और P एंड Q सेकेंड इक्वेशन की लाइन है. So, P एंड Q को ज्वाइन कर दे. We have joined P and Q and first line means first equation की जो लाइन है वो A B है. इस तरह से now we have graphically drawn, graphically represented the equations. I hope you understood it.